Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Follow me on Facebook and Twitter. Thank you for watching. क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां अपनी सैलरी से लोग 54% तक टैक्स ही भर देते हैं। लेकिन आखिर ये लोग इतना टैक्स दे क्यों देते हैं? ऐसा उन्हें क्या मिलता है जिससे लोग टैक्स देने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं? देखिए ये डीएनए मनी की खास रिपोर्ट। आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये सुनकर अच्छा भी लगेगा कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां के लोग ईमानदारी से टैक्स भरते हैं। दरअसल टैक्स भरने के एवज में इन देशों के लोगों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से टैक्स भरने वालों की संख्या अच्छी खासी होती है। हम सबसे पहले आपको उन देशों के बारे में बताते हैं जहां काफी ज्यादा टैक्स लगता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक किन देशों में लगता है सबसे ज्यादा टैक्स? बेल्जियम में 54%, जर्मनी में 49%, हंगरी 48%, फ्रांस 48%, इटली 48%, ऑस्ट्रिया 47%, फिनलैंड 44%, स्वीडन 43%, स्लोवेनिया 43% और लातविया में भी 43% टैक्स लगता है। जैसा कि साल 2015-16 में इनकम टैक्स के आंकड़े आए हैं और उन्हें देखने से पता चलता है कि भारत की 130 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 3.1% लोग ही टैक्स भरते हैं। इससे उलट कई ऐसे भी देश हैं जहां की आबादी बहुत कम है और वहां के 50% से ज्यादा लोग टैक्स भरते हैं। रूस के 33.36% लोग अपना इनकम टैक्स ईमानदारी से भरते हैं। अमेरिका के करीब 14 करोड़ 40 लाख लोग अपना इनकम टैक्स भरते हैं, जबकि यहाँ की आबादी करीब 32 करोड़ के आसपास है। साउथ अरेबियन सी में बसे अरूबा आइलैंड के करीब 59% लोग इनकम टैक्स चुकाते हैं। स्वीडन और डेनमार्क के करीब 56% लोग अपना टैक्स भरते हैं। नीदरलैंड में करीब 52% लोग टैक्स देते हैं। बेल्जियम, जापान, ऑस्ट्रिया में करीब 50% लोग अपना टैक्स चुका देते हैं। ये तो आपने समझ लिया कि किन देशों में लोग जमकर टैक्स भरते हैं, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है आखिर ऐसा कौन सा लालच है कि लोग सरकार को इनकम टैक्स देने को तैयार रहते हैं। दरअसल स्वीडन, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम और अमेरिका जैसे देशों में सरकार लोगों के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाती है। इस स्कीम के तहत पढ़ाई या तो बिल्कुल फ्री होती है या बहुत ही मामूली सी फीस देकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादातर लोगों को हेल्थ केयर की फ्री सुविधा मिलती है। अब जैसे स्वीडन को ही ले लें, यहाँ एजुकेशन फ्री है, मामूली पैसे में अस्पतालों में इलाज होता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेहद सस्ता है, सरकार घर खरीदने में मदद करती है, इसलिए स्वीडन के लोग जो करीब 43% टैक्स भरते हैं उसमें से एक निश्चित यानी करीब 31.21% हिस्सा सोशल सिक्योरिटी स्कीम में चला जाता है। ऐसे ही नीदरलैंड्स में एक बार इनकम टैक्स देने के बाद ना तो पेरोल ड्यूटी लगती है और ना ही स्टैम्प ड्यूटी का चक्कर होता है। इसी तरह अमेरिका में कई ऐसी जगह हैं जहां प्राइवेट अस्पताल होते ही नहीं हैं, वहां सरकारी अस्पताल इतने सक्षम है कि किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी एक बात तो साफ है कि जिन देशों में लोग ज्यादा टैक्स भरते हैं उनमें सरकार भी लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन शायद हमारे देश में इस तरह की चीजें होने में अभी वक्त लग सकता है। रिपोर्ट डीएनए मनी।